भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने की संघर्षमय यात्रा के अथक और अग्रणी पंक्ति के पथिक कैलाशपति मिश्र आज हमारे बीच नहीं। यज्ञ शेष की तरह शेष बची हैं उनकी उज्जवल धवल कीर्ति और साथ साथ असंख्य अमित स्मृतियां। आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर हमारे भीष्म पितामह को नमन, सादर नमन। बक्सर जिले के एक छोटे से गांव दुधारचक में पिता हजारी मिश्र और माता फुलबासो देवी के इस सबसे छोटे लाल ने होश संभालने के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का रुख कर लिया। सारे जहां से अच्छा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी और गिरफ्तारी ने तय कर दिया कि कैलाश को राष्ट्र निर्माण के शिखर तक जाना है। राष्ट्रभक्ति की भावना मन में लिए कैलाश जी ने 1945 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आत्मसात किया और संघ प्रचारक के तौर पर अपना जीवन देश को अर्पित करने का फैसला कर लिया। कैलाश जी लगातार 14 वर्षों तक बिहार की जमीन को संघ प्रचारक के तौर पर सींचते रहे। आखिरकार उन्हें सन 1959 में भारतीय जनसंघ की बिहार इकाई का संगठन प्रभारी बनाया गया। संघ के सच्चे सेवक कैलाश जी जीवन भर संगठन की मान्य परंपराओं के प्रहरी बने रहे। संगठन गढ़े चलो, सुपथ पर बढ़े चलो कैलाश जी का जीवन मंत्र था। संगठनों में भी तारतम्य चाहिए। तारतम्य अगर नहीं रहा तो समय समय पर एक स्थिति नहीं रहती है। मुझे देश ने जो कुछ दिया है, दल ने जितना दिया है, सहयोगी कार्यकर्ताओं ने जितना दिया है, वही इतना बड़ा है, किसी भी प्रधानमंत्री के पद से बहुत बड़ा है। संगठन विस्तार चल ही रहा था कि अचानक देश पर इमरजेंसी के काले बादल छा गए। इस दौरान कैलाश जी ने 1974 से 1977 तक जेपी के आंदोलन में बेहद अहम भूमिका निभाई। कैलाश जी वो शख्सियत थे जो आपातकाल में खुफिया एजेंसियों के लिए सबसे बड़े सिरदर्द साबित हुए। कैलाश जी ने इमरजेंसी के हालात में भी गिरफ्तारी से बचते हुए हर कार्य योजना का न सिर्फ खाका खींचा बल्कि योजनाओं को सफल भी बनाया। आखिरकार काले बादल छटे और चुनाव में उन्होंने विक्रम विधानसभा सीट से जीत हासिल की। बिहार में गठबंधन की पहली सरकार बनी और वह कर्पूरी कैबिनेट में वित्त मंत्री बने। ১৯৮০ में भाजपा बनी तो बिहार में पार्टी को खड़ा करने का बीड़ा कैलाश जी ने ही उठाया। वो 3 बार बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। पार्टी ने उन्हें 1984 में राज्यसभा भेजा, लेकिन 1990 के बाद उन्होंने संगठन को ही समय देने की प्राथमिकता तय की। संगठन के साथ साथ कैलाश जी का कद भी बढ़ता गया।
साल 1995 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय धवल पर भी भाजपा लगातार आगे बढ़ रही थी। केंद्र में अटल जी की सरकार बनने के बाद कैलाश जी को मई 2003 में गुजरात का राज्यपाल बनाया गया। तब गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार थी। कैलाश जी ने राज्यपाल के तौर पर वहां भी संवैधानिक संस्था का उच्च मापदंड स्थापित किया। अपनी सांगठनिक यात्रा में कैलाश जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर सुंदर सिंह भंडारी, जगदीश चंद्र माथुर, कुशाभाऊ ठाकरे सरीखे श्रेष्ठ संगठकों का साथ निभाया। तो राजनीति के पथ पर भैरव सिंह शेखावत, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, तत्कालीन युवा पीढ़ी के राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के साथ काम किया। नरेंद्र मोदी गुजरात में उनके बहुत ही करीब रहे और जरूरत पड़ने पर वो भी कैलाश जी से मार्गदर्शन लेते रहे। अपने जीवन काल में ही कैलाश जी भाजपा और संगठन के लिए आदर्श की प्रतिमूर्ति बन गए। शायद यही वजह रही कि उनके जन्मदिन को कार्यकर्ताओं ने उनकी मौजूदगी में उत्सव की तरह मनाया। ऐसे आयोजनों में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर निचले पायदान तक के कार्यकर्ताओं की सहभागिता रही। मैं कह सकता हूं कि बिहार भारतीय जनता संघ या बिहार भारतीय जनता पार्टी कैलाशपति मिश्र उसके पर्याय है। वक्त तेजी से गुजर रहा था। कैलाश जी की उम्र बढ़ने के कारण अस्वस्थता बढ़ती गई, पटना से बाहर जाना कम हो गया, लेकिन पार्टी की बैठकों और कार्यक्रमों में वह अंतिम दौर तक शामिल होते रहे। आखिरकार 3 नवंबर 2012 का वह मनहूस दिन भी आ गया जब कैलाश जी हम सबके बीच से चले गए। साल 1942 में शुरू हुई उनकी सामाजिक राजनीतिक यात्रा का सफर थम गया। सारा भाजपा परिवार और संगठन स्तब्ध था। मन में कैलाश जी की सैकड़ों यादें लिए हर संगठन कर्मी मर्माहत। जिस भीष्म पितामह ने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया वो हमारे बीच नहीं थे। हम सब ने अपना अभिभावक और मार्गदर्शक खो दिया था। वक्त था दुख से उबरकर उनके आदर्श को नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करने का। संगठन के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने अपने अभिभावक को अंतिम नमन देने के लिए पटना का रुख किया। आंखें नम, हाथ जुड़े थे और हर आवाज राजनीति के उस आदर्श महिषी को नमन कर रही थी जिसका सारा व्यक्तित्व अहंकार रहित था। शोकाकुल संगठन ने उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए 13 दिनों तक जी जान से मेहनत की। कैलाश जी की कर्मभूमि बिहार की धरती पर संगठन के हर बड़े चेहरे ने उनको अपने शब्दों में याद किया।
संघ और भारतीय जनता पार्टी की पूरी विकास यात्रा में जो चुनिंदे नींव के पत्थर थे, उन चुनिंदे नींव के पत्थरों में श्रद्धेय कैलाशपति जी एक प्रेरक नाम था। कैलाशपति मिश्र ने कहा कि मैं अपने व्यक्तित्व को विभाजित नहीं करना चाहता, कि मैं संसद में भी काम करूं और संगठन में काम करूं यह हमारे लिए संभव नहीं है, और मैं संगठन में काम करना चाहता हूं, इसलिए राज्यसभा का सदस्य बनना उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। पर मैं आज कह सकती हूं कि कैलाशपति मिश्र राजनीति के आजाद शत्रु थे। एक दीप स्तंभ के रूप में हम उनके व्यक्तित्व के मार्गदर्शन में, उनकी गुणवत्ता के आदर्शों के आधार पर उसी दिशा से आगे चलकर राष्ट्र के लिए और समाज के लिए काम करें, यही उनके लिए सही श्रद्धांजलि होगी। सामाजिक राजनैतिक जीवन से अलग कैलाश जी का एक परिचय साहित्य से भी जुड़ा था। आज कैलाश जी हमारे बीच नहीं, लेकिन उनका जीवन संगठन को मजबूत करने का संदेश देता है, तो उनकी ही आवाज में उनकी रचना हमें नित्य संघर्ष की प्रेरणा। अविराम यात्रा पर गए अनंत पथ के उस पथिक को हम सबका नमन, शत शत नमन। रस है जीवन सार, रस है जीवन सार, मत से सूखने देना, धारा धवल घरा पे है, मत से नीचने देना। आशा हर्षोल्लास अव्यक्त है, इसे न सूखने देना। ये सब ने जो कहा पार्थ है, मत से भूलने देना। रास रचाया रंग भरा, मुरली की बोहत पान भरा, राधा की पायल की छप छप, फिर चक्र सुदर्शन सब खाया। क्या विश्व समझ पाएगा अमरत्व तत्व क्या होता है, ये वही तत्व है जिसे कहा रस जीवन अमृत सार।